तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राडा एक्सल। तो ये खड़ी हमारी पुरानी बाइक डिस्कवर यहाँ खड़ी रहती है। तो यहाँ खड़ी अपनी एनएस, इसे निकाल के फ्लैशर फिट करने की सोच रहे हैं। फ्लैशर फिट करेंगे, इसमें फ्लैशर लगाएंगे बाइक में। ये खड़ी अपनी एनएस, इसे निकाल के फ्लैशर वगैरह लगाते हैं बाइक में। तो ये खड़ी हमारी पुरानी खंडी चौपार है भाई। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, उनका बनाया हुआ है सारा कुछ। ये लटका है, ये दिख रहा है। ये इससे पहले ऊंट वगैरह चला करते थे शायद। है क्यों बाबा? ऊंट 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 की है, ऊंट की लटकी है। ऊंट चलते जा में। ना तो बैलगाड़ी मतलब रथ जिसे रब्बा जिसे बोलते हो। रब्बा? हाँ रब्बा। तो इसमें मतलब हम गलत फहमी थे, आप ऊंट नहीं चलते थे, मतलब बैल ही चलते थे। बैलों पे इसका यूज होता था। तो ये खड़ी अपनी बाइक चलते हैं और इसे लेके फिट करते हैं, घर पे लेके चलते हैं। यहाँ खड़ी करता हूँ मैं, क्योंकि घर मेरा थोड़ा ऊंचा है, वहाँ चढ़ाने की जगह नहीं है इसे, इसलिए यहाँ लेके खड़े करते। सारी बाइक यहीं खड़ी होती है हमारे परिवार की, सारा कुछ बाहर खड़ी हुई, कुछ उधर खड़ी है। वो रही वो मेरी पुरानी बाइक डिस्कवर खड़ी है। ठीक है, लेके चलते हैं तो इसे घर पे और फ्लैशर वगैरह फिट करते हैं इसमें। तो करते हैं बाइक को वार्म अप। और ये रहा हमारा सामने हवन। यहाँ पे हवन हुआ था, होली पे हवन होता है यहाँ पे हर साल, हम लोग करते हैं यहीं पे हवन। तो आ गए हम अपने घर के बाहर, और मतलब गली में खड़ी है बाइक। तो ये खड़ी बाइक और ये रखे सारे औजार पत्र जो हमको लगाने। ये रहा फ्लैशर, ये पहले डिस्कवर में लगा था। इसका जो पैकिंग था कंपनी से आया था वो वाला, इस पर पानी चला गया था उसके अंदर, तो इसलिए मैंने इस पर अपना जुगाड़ लगा के इसके ऊपर चढ़ा दिया ट्यूब साइकिल का। तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो गया है। ये रहा स्विच, और ये बाइक में कहाँ फिट करना है कहाँ नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ये लग नहीं रहा है। यहाँ पे इसकी इतनी स्पेस नहीं है कि ये यहाँ पे फिट हो जाए। प्रॉब्लम कर रहा है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्पेस है ना। ये स्पेस तो है लगने लायक, फिर ये तिरछा हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे वो लग नहीं पा रहा। ये तो लगा यहाँ पे इसकी हेडलाइट का, हेडलाइट ऑन ऑफ, क्योंकि ये BS4 मॉडल है, इस वजह से इसकी पहले जो लाइट थी वो सीधा ऑनलाइन ही थी, इसलिए ये लगवाना पड़ा ऑफ करने के लिए। बाकी स्विच देखते हैं कैसे लगता है, और करते हैं फिट फ्लैशर वगैरह। देखते हैं, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि भाई तबीयत सही नहीं है, सर्दी वर्दी हो रखी है, चप्पल वप्पल आ रही है वीडियो में। ये रही इसकी सारी वायरिंग, इसके इंडिकेटर्स की, बैक लाइट की, और ये प्लेट वाली लाइट की। तो ये रहा अपना फ्लैशर। तो करते हैं इसमें, पिछली बार मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया था, मैंने खुद फिट करा था फ्लैशर। पिछली बार इसका आगे हेड में एक वायर उड़ गया था, वो सही करा के लाना पड़ा था मुझे। तो ये एक इसका येलो लगाना है इंडिकेटर के इस वाले वायर में, जो येलो येलो दिख रहा है, वैसे ग्रे होता है लेकिन ये येलो कुछ टाइप से है, अजीब सा कलर है। एक इसमें लगाना है इसका वायर इंडिकेटर का, अपने वो फ्लैशर का इंडिकेटर के इस वाले वायर में लगाना है, और इसको कर देना है लॉक फिर दोबारा से वैसे के वैसे ही ऐसे करके। और एक येलो वाला इसका वायर लगाना है दूसरे इंडिकेटर के वायर में, जो कि है ग्रीन, दूसरे इंडिकेटर के ग्रीन वाले वायर में लगाना है। तो ये रहा इसका, और इसमें जो ग्रीन वाला वायर है इसमें एक येलो कलर का लगाना है। इस तरीके से इसमें अंदर करके इसको दोबारा से अटैच कर देना है, रुक जाएगा बाकी। और इसका ये रेड वाला वायर है, ये लगाना है हमको बाइक के बैक लाइट के एक सॉकेट में, ये रेड वाले में, इसका बैक के रेड वाले में सॉकेट में लगाना है। आई होप रुक जाइए। रुक गया हो तो सही है। तो ये यहाँ का सारा काम हो चुका है, तो एक तार चाहिए हमको लंबा। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका, ये जो मेन सीट है ये खुलेगा, इसके नीचे से इसका वायर जाएगा, तो इसका सीट निकल गया। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं थी, इसलिए यहाँ अपना स्विच लग नहीं पाया, और स्विच लगाया हमने यहाँ पे बिल्कुल डुका छुपा लगा, तो स्विच हमने लगाया यहाँ पे। यार गली में इतना शोर रहता है, वीडियो शूट नहीं कर सकते, यहाँ पे लगाया स्विच, ये इसका वायर। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है। तो भाई यहाँ हम इसका ब्लैक वायर अटैच कर रहे हैं अपने स्विच का,
इस वाली येलो वायर में और हमने इसे अटैच कर लिया है। और ये येलो वाला वायर अंदर अंदर गया है और ये निकला यहाँ पे, ये हमने यहाँ निकाला, यहाँ इसको हमें फिट करना है इसके और फ्लैशर की ब्लैक वाले वायर में इस तरह का से, इस तरीके से यहाँ पे हमको ब्लैक वायर इस पर फिट करना है, यहाँ अटैच करना है। यहाँ ये स्विच का ब्लैक वायर जोड़ देते हैं यहाँ से फ्लैशर की ब्लैक वायर से, यहाँ कनेक्शन इसका यहाँ पे कर देते हैं। ओह छूट गया, तो यहाँ इसका कनेक्शन हो चुका है, टेपिंग कर देते हैं टेप। तो ये वाला वायर जो है ये ब्लैक में लगाया है, ये जा रहा है वायर येलो वाला, ये जा रहा है स्विच के ब्लैक वायर में, और एक वायर ये आया है, ये स्विच का रेड वायर है, ये हम सीधा बैटरी से लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्विच का वायर, स्विच वहाँ गलत जगह पे लगा है, वहाँ पे कोई अपना अर्थ लेने का वो बन नहीं रहा है, वरना कहीं पे भी न्यूट्रल में लगा देते इसका, वरना यहाँ लगाना पड़ रहा है, इसी वजह से यहाँ लगाएंगे हम बैटरी पे डायरेक्ट, तो स्विच सही काम करेगा, वरना यहाँ पे यहाँ से ना कहीं वो अर्थ लेने की जुगाड़ बन नहीं रही थी न्यूट्रल वगैरह, तो दैट्स वाई हमने पीछे ही बैटरी तक ले गए वायर को, वहीं पर लगाएंगे जाके सीधा। तो करते हैं कनेक्शन और दिखाते हैं फिर इंडिकेटर कैसे फ्लैश करते हैं। ये वाला अपने वायर अटैच करते हैं, इसमें फाइनल कनेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना फ्लैशर और इसमें कनेक्ट करते हैं इसका कनेक्शन, बाकी लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद फ्लैशर अपना ऑन है। तो दिखाते हैं ये कनेक्शन करने के बाद सीधा इंडिकेटर ऑन करके दिखाते हैं कैसे फ्लैश कर रहा है। तो भाई कनेक्शन फुल हो गया, बाकी अब सीट पैक करते हैं अपनी बाइक की, सारा कनेक्शन जो करना था वो हो चुका है, अब लगा। तो भाई थोड़ी शाम हो चुकी है, तो अब देखते हैं कैसे फ्लैश कर रहा है इसके इंडिकेटर वगैरह। और मैंने स्विच कहाँ पे लगाया था, स्विच लगाया था इसके अंदर, वो दिख नहीं रहा होगा अब आपको, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ऐसे फ्लैश कर रहे हैं, मोड चेंज करके देखते हैं। दूसरा मोड, तीसरा मोड ये है, ये वाला भी थोड़ा सही लग रहा है, ये थोड़े फास्ट ब्लिंक कर रहे हैं, बस आपको विजिबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हैलोजन बल्ब है ना। बैक वाला भी दिखा देता हूँ, बैक लोग कुछ ऐसे। तो करते हैं फोर्थ मोड इसका ऑन, फोर्थ पे कुछ ऐसे ब्लिंक करते हैं, मतलब ये रहा इसका फिफ्थ वाला, थोड़ा सिमिलर था इसके पिछले वाले से थोड़ा सिमिलर था, इसलिए ये है इसका सिक्स्थ मोड। और सेवन्थ वाला देखते हैं क्या रहता है उसमें, कौन सा किस तरीके से ब्लिंक करती है, किधर गया हाथ नहीं पड़ता। और ये है इसका सेवन्थ मोड, ये है एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, और ये इलेवेंथ। काफी से लगता है ये वाला काफी से लगता है वैसे। वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, ये इधर से इसका बैक लुक, थोड़ा बैक थोड़ी सही लगती है, मैं सोच रहा हूँ ये इसका निकलवा दूँ, ये इसका मड गार्ड निकलवा दूँ थोड़ा, और ब्रॉड वाला टायर डलवा दूँ इसमें 130 का, लेकिन अभी नहीं, कुत्ता आ गया साला वीडियो में भाग यहाँ से। तो वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी अपने चैनल पर, ठीक है, बाय।